इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग का हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में तुमको क्या आएगा, एक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स आता है और एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आता है ज़्यादा करके, ठीक है। तो डिबेंचर का सम कैसे आना, एकदम खतरनाक है, बड़ा सम रहेगा। तो ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। मतलब कैसे आपको एक अकाउंट बनाना है, ये सपोज तुम्हारा क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन ये रहेगा और उसको जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट पेज पे तुम लोग अकाउंट बनाएंगे, राइट पेज पे और एक तीन पेज पे कैलकुलेशन जाएगा। इजी है, आउट ऑफ मिलेगा 20 लाख, पर कैसे तुमको आना चाहिए। तो पहले पोस्टिंग समझ लेते हैं। जैसे डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिबेंचर वाला सम हो गया ना। डिबेंचर बोला तो कर्जा हो गया, राइट। हम लोग ने टाटा कंपनी में इन्वेस्ट किया, मेहता ने, तो क्या दिया था, खरीद रहा बेच रहा ऐसा कर ही दिया। तो ये जो होता ना, ये 12% इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट रहता है, और ये तुम्हारा रहता है ना 100 रुपया, ये तुम्हारा फेस वैल्यू रहता है, क्या रहता है, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलता है। तो डेबिट साइड में क्या लिखने का, पी लिखने का, और क्रेडिट साइड में एस लिखने का। मतलब इधर परचेस आएगा, इधर सेल आएगा, या परचेस लिखने का या सेल लिखने का। और फिर पी बोले तो प्रॉफिट, जो भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ तुमको यहाँ लिखने का, और जो भी तुमको लॉस हुआ तुमको यहाँ लिखने का, और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी तुमको क्रेडिट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्रेडिट। तो फिर डेबिट में पी आएगा, बाकी सब यहाँ आएगा। मतलब परचेस इधर, सेल इधर, प्रॉफिट इधर, लॉस इधर, और 6-6 महीने का इंटरेस्ट। उन लोग कंपनी कभी कभी साल में इंटरेस्ट देती है, तो ये वाला सब में क्या बोले, कंपनी इंटरेस्ट ना साल में 2 बार दे रही है। इंटरेस्ट बिंग पेबल बाई टाटा कंपनी 1 अप्रैल और अक्टूबर, मतलब इंटरेस्ट 2 बार दे रही है, एक अप्रैल को दे रही है इसे डॉट और एक अक्टूबर, मतलब 6 महीना हो गया तो इंटरेस्ट देना, फिर 6 महीना होगा तो इंटरेस्ट देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर बनाना है, देखना है कि इन लोग का बुक कब क्लोज हो रहा है। तो ईयर इनका एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ईयर एंड हो रहा है मार्च में ना, तो चालू होगा अप्रैल में। कभी कभी दिसंबर आएगा तो आपको जेल निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करके डालना पड़ेगा, फिर एक लाइन मारना पड़ेगा इंटरेस्ट का, ठीक है। मतलब ये 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा हाफ ईयरली, फिर वापस बुक क्लोज होगा, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें दो चीज़ रहता है, एक कम इंटरेस्ट रहता है और एक एक्स इंटरेस्ट रहता है। कम इंटरेस्ट का मतलब वो रहता है जिसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड रहता है, तो अभी क्या करेगा, इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो मैंने कैसे याद कराया बच्चे लोगों को, कम इंटरेस्ट में क्या करना, कम कर देने, कम में कम कर देने, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके कम कर देने। और एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड नहीं है, तो उसको एज इट इज पोस्ट कर देना है, कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आएगा उसको डाल देंगे। मतलब जैसे कि 300 खरीदा 92 के हिसाब से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में डाल देंगे ना। और फेस वैल्यू यहाँ लिखने का, क्या लिखने का, फेस मतलब 300 खरीदा है तो फेस वैल्यू 100 के हिसाब से 30,000, तो 30,000 इधर आएगा, इधर 10,000 आएगा, है ना, इधर 20,000 आएगा, इधर 15,000 आएगा। और जो एक्स और कम इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके वो कॉस्ट में डालना है, ठीक है। बड़ा सम है, बस मैं तुमको फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था, ऐसा सब मैंने सब अपलोड कर दिया है, तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों लोग, ठीक है, ताकि फॉर्मेट याद है ना, बच्चा कुछ ना कुछ तो सीख पाएगा। मतलब ये सब को सीखने के लिए कम से कम आप लोग को ना 3-4 सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैंने सब सम अपलोड कर दिया हो, बस थोड़ा फॉर्मेट डिस्कस करने का था, और बाद में और भी चीज़ सिखा दूंगा, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।